जी हमारे पास क्वेश्चन क्या है, इन अ हाइड्रोजन एटम विच ऑर्बिटल इज हायर एनर्जी देन अ 3s ऑर्बिटल। ठीक है, तो हमारा हाइड्रोजन एटम बोला हुआ है, तो जो हमारा हाइड्रोजन एटम क्या होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ठीक है ठीक है, और देर इज़ नो एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, देर इज नो एंगुलर मोमेंटम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, एन के। एन हमारा यहाँ क्या है, शेल नंबर, और क्या होता है हमारा एन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, यही होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और हमारा जो ई होगा किसके प्रोपोर्शन हो गया, एन के। तो जो हमारा क्या क्या ऑप्शन में दे रखा है, एक 2s, ठीक है, हमारा क्या क्या ऑप्शन में दे रखा है, एक 2s दे रखा है, एक दे रखा है 3p, एक दे रखा है सी, दे रखा है 3d, और एक दे रखा है हमारे पास 4s। ठीक है, अगर मैं इसका देखो, अगर इसका देखो, ये हमारे इसका n की वैल्यू कितना दे रखा है, अगर सॉरी एनर्जी n प्लस n निकालो तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा। ठीक है, एन प्लस एन ही नहीं, एन से डिनोट करो, तो एन है इसका 2, इसका है 3, इसका भी है 3, इसका भी है 4, तो इन दोनों का सेम होगा। ये हमारा लो है और इसका क्या है, हाई है। ठीक है, ये हो गया। अगर एन प्लस एन निकालूँ, ये हो गया एन की वैल्यू है, ये एन प्लस एन निकालो तो इसका कितना हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा, क्योंकि 3d का कितना होता है 5, 2 का होता है, और 4 का कितना हो जाएगा, 4s का 4। ठीक है, ऐसे हो गया एन प्लस एन की वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो मतलब कि क्या बोला है, 3s से ज़्यादा किसका है, अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन एनर्जी, ठीक है, मल्टी एनर्जी इलेक्ट्रॉन एनर्जी पूछा हुआ है, एनर्जी ने अगर निकाला तो क्या होता है, एन प्लस एन लगाएंगे तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, 3p ज़्यादा हो जाएगा किससे, 3d से, इसका, क्योंकि 3p का कितना है 4 और 3d का कितना है 5, तो ये हमारा ज़्यादा हो गया। लेकिन हमें पूछा क्या हुआ है, केवल प्रिंसिपल क्वांटम के नंबर पर हम क्या करेंगे, हमें क्या पूछा हुआ है, इन अ हाइड्रोजन एटम विच ऑर्बिटल हायर एनर्जी देन अ 3s ऑर्बिटल, n की से बताना है, तो हमारा n क्या हो जाएगा, यहाँ से 4s की वैल्यू ज़्यादा है क्योंकि हमारा 3s बोला है, तो यहाँ पे हमारा n की वैल्यू कितना है, 3 है। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं अगर 3p की अगर बात करूँ तो 3 है, अगर 4s की बात करूँ तो यहाँ पे कितना है, n की वैल्यू 4 है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसका हो गया, 4s का, तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर होगा फिर 4s, डी हमारा मैच हायर एनर्जी होगा इसके। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं,